सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे होना 10 लाइट सेट के बारे में। इसके अंदर जो है हमारा FRP लॉक है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि FRP लॉक को आप जो है कैसे रिमूव करेंगे विदाउट PC। और ये वही सेट है जो आपने अगर पिछले भी जो हमारा देखा हुआ है होना 10 लाइट का ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम, जो कि हमने बैटरी से रिलेटेड था और हमने उनको सॉल्व किया था, तो उसी सेट में जो है अभी FRP लॉक का प्रॉब्लम है। अभी कस्टमर को उनका ईमेल आईडी वगैरह पिन कुछ भी पता नहीं है, तो इसको जो है हमको FRP को अनलॉक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेट में बाकी में यहाँ पे FRP लॉक है या नहीं। देखिए हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है और देखिए यहाँ पे एंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, एंटर योर डिवाइस पिन टू कंटिन्यू रिक्वायर्ड आफ्टर डिवाइस रिसेट। तो यहाँ पे वही आपको पिन पासवर्ड डालना है, पिन आपको डालना है जो आपका पहले था। और यहाँ पे देखिए यूज़ माई गूगल अकाउंट, तो या फिर नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे पिन को डालना है, नहीं तो फिर आपको जो है यहाँ पे यूज़ माई गूगल अकाउंट, तो आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट यानी कि आपको ईमेल आईडी पासवर्ड से जो है इसको अनलॉक करना है। तो कस्टमर को कुछ नहीं पता है तो हमको इसको जो है अनलॉक करके देना है। तो इसके लिए आपको क्या मेथड यूज़ करना है वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखने कि बहुत सारा मेथड है अनलॉक करने का, लेकिन इसका जो मेथड है वो कुछ अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको जो है हमको अभी अभी इसको स्विच ऑफ कर देना है। तो स्विच ऑफ करने के लिए हमको क्या करना है, पावर ओपन की को आपको प्रेस करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको आपको पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो मेथड है, आप अभी चाहो तो वॉल्यूम प्लस और जो है हमारा वॉल्यूम प्लस और जो पावर की है इन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे सेट में लोगो आ जाए आप पावर की को रिलीज कर सकते हो, लेकिन आपका जो वॉल्यूम प्लस की है इसको प्रेस करके आपको रखना है, ठीक है। और या तो फिर और एक मेथड है, आप जो है इसमें वॉल्यूम प्लस की को इसमें प्रेस करके रखिए, उसके बाद डाटा केबल या फिर जो आप यहाँ पे चार्जिंग केबल को लगा के भी जो है आप इसमें रिकवरी मोड में आ सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें कुछ बात है, इसमें आप एक बार ध्यान से देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ये वीडियो जो है वो फेक है, ठीक है। कारण इसमें क्यों ऐसा होता है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे कोई यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन और एक मोड होता है जिसमें यहाँ पे रिकवरी लिखा होता है, उसके बाद रिकवरी वो एक साथ होता है। और उसमें देखिए रिबूट सिस्टम, वेब डाटा, वेब केस और इसमें देखिए क्या है, इसमें सेव मोड है ना। तो यहाँ पे देखिए तीन मोड दिखा रहा है और एक जो आता है उसमें आपको रिबूट सिस्टम दिखाएगा, वेब डाटा दिखाएगा, एस्केप पार्टीशन दिखाएगा और उसके बाद जो है पावर ऑफ दिखाएगा, इसमें अपडेट भी दिखाएगा। लेकिन जब आप उसमें टच करेंगे तो आपका जो टच जो है बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, आप ना ही उसको वेब डाटा कर सकते हो और ना ही जो है आप उसको दूसरे मोड में जो है आप टास्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका जो है इसमें टास्क करने का कोई इशू आ रहा है, आप इसमें सिलेक्ट कर रहे हो, देखिए वॉल्यूम की से भी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है, टास्क भी कर रहे हो तो वो भी काम नहीं कर रहे, तो आपको इस मेथड को फॉलो करना है। तो उसके लिए जो है आपको जो है दोबारा फिर से ट्राई करना है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, उसका सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे वेब डाटा वेब फैक्टरी रिसेट करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे यस, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यस करने के बाद हमको क्या करना है, वेब डाटा पे करना है और इसमें वेब डाटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये वेब डाटा होते टाइम पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना ही पावर ऑफ करना है और आपको बैटरी चार्ज को भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर आपका जो है दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जब ये फैक्ट्री रिसेट कर रहा है तब आपको जो है चार्ज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ पे आपको कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करना है, मोबाइल को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखिए वेब डाटा हो गया है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी जो है हमको इसको जो है यहाँ पे सेव मोड में इसको रन कर देना है, ठीक है। देखिए सेव मोड लिखा हुआ है तो हम सबसे लास्ट में देखिए सेव मोड है और उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे सेव मोड में इसको जो है यहाँ पे सेफ मोड में जो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थीके?
और ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको इसमें थोड़ा वेट कर लेना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेफ मोड में सेट को ऑन किया, तो देखिए ये जो सेट जो है हमारा पूरी तरीके से ऑन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, ठीक है। आने के बाद जो है अभी हमको एक काम करना है, सिक्योरिटी में आना है, उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आना है, यहाँ पे सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज अनलॉक मेथड पे हमको आना है। यहाँ पे हमको पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना है, और अभी हमको पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। डन कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम एक चेक कर लेते हैं हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे लगा है कि नहीं। तो देखिए हमारा पैटर्न जो है वो लग चुका है ना। अभी हम इसमें फिर से दोबारा बैक आएंगे, आने के बाद जो है अभी हम इसको सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पे देखिए रीसेट लिखा हुआ है, रीसेट पे आएंगे और यहाँ पे रीसेट फोन कर देते हैं, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, रीसेट कर देते हैं। अभी हमको थोड़ा वेट कर लेना है। तो आप जो है ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि और इसमें कि देखिए मोबाइल तो हमारा एक ही होता है, मॉडल भी सेम होता है, लेकिन वर्जन चेंज होता है ना। तो अगर आपका वर्जन डाउनग्रेड वर्जन का है तो उसका मेथड अलग है, और इससे अगर आपका हायर वर्जन है तो उसका मेथड अलग है। इस वर्जन के साथ जो है जो मैंने आपको दिखाया, इस मेथड के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपका वर्जन क्या है, तो आप मैंने आपको जैसे जैसे दिखाया आप सेम टू सेम वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। अगर आपका उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप वीडियो को सही से देख रहे हो और मैंने आपको जैसे जैसे बताया है कि आपको कैसे रिकवरी में जाना है, आपका टच नहीं काम करेगा, साइट किसे भी आप उसमें रिसेट नहीं कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे ऊपर में अगर ई रिकवरी लिखा आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो इन सारी चीज़ों से आपको जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। देखने के बाद ही जो आपको काम करना है, ठीक है। ठीक है, हमारा रिसेट सक्सेसफुली हो गया, तो डिवाइस अभी जो है फिर से रिस्टार्ट करेगा और इसमें ऑन होने के लिए फिर से यहाँ पर टाइम लगेगा, तो हमको जो है यहाँ पर थोड़ा वेट करना है फिर से, ठीक है। तो मैं ना सेट में थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ, क्योंकि बैटरी में थोड़ा चार्ज नहीं है, तो अगर ऑफ हो जाएगा तो फिर जो है मुझसे फिर से दोबारा काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि चार्ज में थोड़ा लगा दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा डिवाइस जो है पूरी तरीके से ऑन हो गया, अभी हम चलिए सेटअप करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे इशू आ रहा है, कि हमारा FRP जो है वो हमारा हट चुका है। तो चलिए हम स्किप कर लेते हैं, यहाँ पे नो थैंक यू कर देते हैं, इसको लेटर कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है हम मैनुअली सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, अपडेट को, और देखिए हमारा सेट जो है पूरी तरीके से ऑन हो गया है। तो देखिए ये करने में तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए, जो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, उसके बाद फिर हमारा डिवाइस में चार्ज भी नहीं था, वो भी ऑफ हो गया था, तो इसी वजह से जो है थोड़ा आपको लग सकता है इसमें जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और आपको उसको कैसे देखना है, उसको कैसे जो है सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो इसको अनलॉक करने का बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है, और यूट्यूब में और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उससे भी कर सकते हो। अगर इस मेथड पे आपका काम नहीं कर रहा है, इस मेथड आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो वर्जन है वो दूसरा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो फेक है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मॉडल आप देख लीजिए, Honor 10 Lite, ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मॉडल आपको दिख रहा है, Honor 10 Lite, यहाँ पर देख लीजिए,
और वर्सन वगैरह भी आप यहाँ पे देख लीजिए। आपका वर्सन सेम है तो आपका जो मैंने जो मेथड आपको बताया वो सेम तरीके से जो है आपको काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, बस आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने जो जो चीज़ आपको बताया है आप एक बार में नहीं कर पा रहे तो वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वर्सन आपका सेम है तो आपका जो है काम करेगा ही करेगा। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और उसमें आप जो है पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो और हम आपस में बात करके जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।